بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه

इस तनाज़ुर में जो हमारे साथ इस वक्त हमें हादसे की इतला मिली मैं बैरून मुल्क में हूँ मगर हादसा एक ऐसा है कि एक अंदोहनाक मौत हुई सहाफ़ी हैं थे अब तो थे हो गए जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे उनकी मफ़रत फरमाए उनके सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ कि इस्लामी नुक़ः नगाह से हमने इसको कैसे देखना है और इसके तनाजर में हम सहााफ़ी कम्यूनिटी तक मैं मैं गुनागार एक दीन का दाई होते हुए एक इमाम मस्जिद होने के नाते एक दीन का तालब इलम होने के नाते कुछ बातें कहना चाहूँगा अल्लाह करे कि ये मेरा पैगाम किसी न किसी इस शोबे से वाबस्ता बंदे तक भी पहुँच जाए ना भी पहुँचा आप सब के लिए भी इसमें बहुत कुछ है तमाम इंसानियत के लिए इसमें कुछ बातें सबसे पहले आयतः मुबारका का तर्जुमा सुनते हैं अल्लाह तला ने फरमाया जो मैंने खुद बाय मसनूना के कुछ अल्फाज पढ़े थे बरकत के लिए सुनत रसूल है इसलिए भी पढ़े तो आयत में अल्लाह ताला फरमाता है और ये हमारे जुमा के खुतबों में पढ़ी जाती है आयत तकबा में से एक है खुतबा मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वाइजीन खुतबा पढ़ते हैं आयत ये आयत हमें समझे हर जुमे सुनाई जाती है तकरीबन कमो बेश लाखों मसाजिद में ये सुनाई जाती है अल्लाह कहता है ए ईमान वालों ए कलमा गो लोगो मुसलमानों मोमिनों अल्लाह से डरो अल्लाह का तकवा रखो उसकी मोहब्बत रखो उसका खौफ रखो ये सब चीजें अपने दिल में इस ईमान के जज्बे के साथ हमेशा सच्ची और खरी और सीधी बात करो याद रखिएगा तो ये पहली बात है मैंने सेवन पॉइंट्स का एजेंडा आज कोशिश करेंगे इसको मुख्तसर करेंगे दूसरा पॉइंट अर्शद शरीफ साहब की मौत के साथ उनके बहीमाना कत्ल के साथ जो मफरूजे जुड़े हुए हैं ना मिस्टेक आइडेंटिटी बच्चे का अगवाब गाड़ी का ना रुकना ये सब के सब मफरूज़े यकीन माने ऐसे कि इसको कीनिया की अपनी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे लोग इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का ऐलान भी खुश आइंद है बहुत अच्छी बात है वो आया मगर इंटरनेशनली कोई नहीं मान रहा इस ये सब झूठ को क्यों नहीं मान रहा क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी के एक विवलन तीस हज़ार में आप पुलिस को हायर करके किसी को भी मरवा सकते हैं जी हाँ और पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इवन आप अफगानिस्तान को भी मिला लें इन तीन चार मुल्कों में तो इनकाउंटर कल्चर है मुकाबले का कल्चर है हम खुद जानते हैं हमारे अजीज अब पुलिस में रहे हैं हैं भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता अल्लाह की पनाह तोबा तो, तो हमसे क्या छुपा है हम तो नवज बिल्ला में कहते हैं ना हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो खुदा के लिए इन मफरूजों को ना सुने ये सब झूठ है एक एक शख्स जानता है। अच्छा जी अब ये तो फिर इसलिए लिहाजा हमें पता है कि तीसरा पॉइंट कि ये एक झालिमाना कत्ल है जालिमाना कत्ल है बहीमाना कत्ल है मजलूमाना मौत है एक आदमी की मजलूम मौत हुई है क्योंकि बज़ाहिर उसने कोई ऐसा गुनाह ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था कि जिसकी सजा मौत बनती है अगर था तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जाता ना ये इस तो कोई भी किसी को उठ के मारता फिरगा तो हमें पता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनकी अमवात बहुत हो चुकी हैं पाकिस्तान में कई लोगों का रिकॉर्ड है तो लिहाजा ये जो अरशद शरीफ साहब हैं इनके बारे में भी सुन लीजिए चौथा पॉइंट ये कौन है मैं ज़ाती तौर तो पे इनका ना फॉलोअर था ना इनका फ़ैन था मैं तो इनको जानता ही नहीं था मेरी तवज्जो किस लिए इस वाके पर हुई कि बाखुदा मुझे बच्चों की रोती हुई वीडियोज और बुजुर्गों की बूढ़ों की मिडिल एज की हर उम्र के लोगों के पैगाम जब आए तो बखुदा मुझसे रहा नहीं गया मैं रो पड़ा मुझे रोना आ गया कि यार ये बंदा वाकई कोई कोई तो बात थी इसमें फिर मैंने जब इसके देखा इसके बारे में कि भाई इसकी तो वजह शोहरत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ये दुनिया जानती है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं ना या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पर बिक जाते हैं या डर जाते हैं या उसका कोई न्यूट्रल वर्जन निकालते हैं जिसमें थोड़ा कहते हैं ना बैक फुट थोड़ा फ्रंट फुट थोड़ा आगे थोड़ा पीछे खेलते गए तो जान बच गई मसले हद परस्ती हुई वरना मारे जाते हैं अक्सर ही मारे जाते हैं ये बात मान लें आप लिहाजा अशर शरीफ साहब की मौत जिसे कहते हैं ना इट वॉज ऑल ओवर द वॉल ये हर लिखा हुआ था और वो मैंने उनके बयान देखे जिस जो कि हमारा पांचवा पॉइंट है कि किस लिए भी मौत मौत इसलिए भी की वजह से अल्लाह ने कुरान ने कुरान पाक में कहा ना खरी और सच्ची सीधी बात करो ऐसे लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती एक मिसाल देता हूँ सहाविय रसूल सैदना धर गफ़ारी रजी अल्लाह इस्लाम का नंबर फाइव है वन फिफ्थ ऑफ इस्लाम इनको कहा जाता है आलम इस्लाम में मगर ये वो बंदा था जिसके दोस्त बहुत कम थे क्यों इसका अंदर बाहर नबी पाक ने फरमाया इसका अंदर बाहिर एक है सच गो है। बिल्कुल सदा सदाकत वाला आदमी तो भाई यो ये है मामला तो जो बच खुल के बात करेगा ना जो समझे न्यूट्रल जोन में नहीं रहता अक्सर वो रेड लाइन क्रॉस कर जाता है समझ ले उसने अपनी जान हथेली पे रख ली और इसीलिए इनकी मौत हुई है ये तो वाज़े है तो छठा पॉइंट हम क्या करें या क्या कर सकते थे सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे ये इस उम्मत की बड़ी बदबख्ती है कि यहां पर किसी बंदे को अपनी सदाकत मनवाने के लिए ना मरना पड़ता है वरना उसको कोई यकीन नहीं करता जी हाँ ये बंदा तकरीबन ढाई सौ मिलियन यानी तकरीबन 25 करोड़ लोगों को ऑलमोस्ट 250 मिलियन की पॉपुलेशन के मुल्क को कहता रहा कि मुझे मार देंगे मुझे जान को खतरा है कभी उसको जेलों में डाला डाला गया कभी वो छुप के भाग रहा है दुबई कभी वो छुप के भाग रहा है यूके कभी वो छुप के कहीं भाग रहा है उसके इंटरव्यूज हैं ऑन रेकॉर्ड है सारा तो हमने कुछ नहीं किया हम वो लोग हैं जो साइड पे बैठे देखते रहते हैं फिर जब बंदा मर जाता है हम उसकी वाह 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 तारीफों के पुल बांधते हैं क्या है ये ये तो कोई तरीका नहीं रहा ना ये करती है ये उम्मत ये शुरू से करती आई है ये। जो बंदा हक बात कह रहा हो या सच बोल रहा हो उस वक्त साथ नहीं देते जब वो मर जाता है ना फिर इनको याद आता है कि यार हाँ बंदा यार वो बंदा ठीक ही कह रहा था हमने उसकी कदर नहीं की मैं हर एक के लिए नहीं ये कहना चाह रहा मगर बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है शायद अरशद साहब भी उन्हीं लोगों में से एक थे वरना यार कितने सहाफी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं कितनों कितने लोगों को भागना पड़ा कुछ कुछ भागे हैं कुछ वहीं पर भी हैं वह आलम बहरहाल ये जो है नॉम काफी कुछ कर सकती है ऐसे मुहर्रकात, अगर आप लोग पहले ही कुछ एक्शन ले लेते जोर देते प्रेशर डालते तो शायद उसको जब जेलों में तशद किया जा रहा था जब उसको जगह जगह वो अपने मुल्क में छुपता फिर रहा था दर बदर भाग रहा था सोचें आप दर बदर पहले भी इस कौम ने यह काम किया कुछ लोगों के बच्चे याद करें वो करबला मुस्लिम बिन अकील अल्लाह अहले बैत भी सहाबी भी दर बदर भाग रहे थे और उनके लिए कूफा में कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था ये उम्मत यही करती है दिल साथ होते हैं ना तलवारें साथ होती ना जुबानें साथ होती हैं जी हाँ बहुत अफसोस से मैं ये बातें कह रहा हूँ आपको और बड़े कर्ब से कह रहा हूँ कि यही करती है उम्मत किसी को उठा लिया जाता है बस थोड़ा बहुत शोर मचाया बस ठीक है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आधी से ज्यादा तो आपके पीछे जो जमात होती है ना वही भाग जाती कि यार या ऐसे हम भी ना पकड़े जाए कहीं और नमाज पढ़ लो तो अब करें क्या अब क्या करें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा याद रखें इस बंदे की मौत से एक सबक ले लें कि इनके मरने से आप हरगिज ये ना समझें कि ये इनकी शिकस्त है अगर तो वो हक पर थे जो बज़ाहिर मालूम होता है कि वो वाकई कोई सच्चा और खरा आदमी था जिसने उन लोगों को हाथ डाला याद रखिएगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल जो पावर्स हैं ना उनको जिस जिसने कहीं ना कहीं, कहीं उनके लिए कोई काम किया ना समझ लें उसको हाथ जो डालेगा ना वो हाथ डालने वाला या वो बिल्ली उसके पाँव जल जाएंगे वो फिर उसके दुश्मन सिर्फ वो नहीं होंगे जिनको हाथ डाल रहा है नहीं वो भी होंगे जिनको उन्होंने सर्व किया हुआ जिनकी उन्होंने खिदमत की हुई जिनके वो काम आए में तो लेकिन ये मौत शिकस्त नहीं है ये बात याद रखना उसके मरने से या कोई भी हक गो आलिम हो सहाफ़ी हो ये सहाफ़ियों के लिए बीच में पैगाम है कि इसको शिकस्त ना समझें अगर ये शिकस्त है तो फिर कुरान पाक में जब वाले मतून लोगों ने असहाब अखदूद जैसे मलूनों ने जिनको अल्लाह ने लानत की कुरान पाक में शरा बरूज में जब उन्होंने खंदकों में फेंका था ना खंदकों में फेंका था यमन के लोगों को बस्तियाँ की बस्तियाँ जला दी थी तो वो जलने वाले सारे हार गए थे ना बज़ाहिर तो वो फते याब हो गए मज, म, मजलूम मारे गए सारे ालिम बज़ाहिर बगलें बजारे नहीं वो मरने वाले एक्चुअली वो फाते हैं वो फाते हैं रसोल पाकल्म के प्यारे अमारबन यासिर के वाले सुमैया और यासिर मारे गए शहीद हो गए कत्ल कर दिए गए बहीमाना तरीके से कत्ल हुए क्या उनकी ये शिकस्त थी नहीं कोई ना इसको शिकस्त समझे मजलूम मर के भी फतेह आब है बज़ाहिर दुनिया के स्टैंडर्ड में वो उसको कुछ नहीं मिला लेकिन दरकत वहाँ उसको बहुत कुछ मिल गया मौत उसके लिए एक्चुअली जन्नत का टिकट है असहाब सत्तर से ज्यादा सहाबा शहीद हुए कई तो ऐसे थे जिनको आप गुसल के लिए भी नहीं उठा सकते थे कीमा कर दिए गए उनके जिसम सईदना है, हम वला हैं मगर फरिश्ते फरिश्तेसल देने आ गए अहबे हर्राह हैं मदीना मुनबरा के शहदाय है जिनका जिक्र बुखारी और मुस्लिम में है मदीना मुनबरा को लूटा गया क्या वो लूटने वाली फौज फातः कहलाएगी नहीं फिर करबला किसको भूलिया सब सब शहीद हो गए सब के सब कोई मर्द नहीं बचा सिवाय एक जैनिद्दीन के क्या वो नउज बिल्ला नाकाम हुए नहीं उन सब के सरदार हुसैन इबन अली हैं वो तो फाते के फाते हैं तो याद रखिएगा ये सब इसलिए है कि अल्लाह ताला ने हमसे हमारी जानों का हिसाब सौदा हो चुका है हम ये सौदा कर चुके हैं कि जन्नत लेनी है तो जान देनी पड़ेगी ये तो शुक्र करें कि हर एक को नहीं जान देनी पड़ी वरना ईमान तो ये तकाजा करता है कि जब वो कहे जान दे दो हम जान दे देंगे वो कहा ना जान दी दी हुई उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ बहरहाल मैं इस वाक्य से सहाफी कम्यूनिटी और आप सब के साथ कुछ रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है जो कि मेरा सेवन पॉइंट इसी में सारा समझे कवर हो रहा है हमें नहीं पता कि किसने ये काम बदल किया कोई तो पीछे है तो इसलिए आप ना तो फॉल्स एलिगेशन लगाएं किसी के ऊपर और ना ही आप किसी का नाम ले जब तक के इस पर एक और इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिव कोई जर्नलिस्ट हो कोई शेर एक और शेर उठे उन्हों, उन्होंने उन्होंने बच्चों ने कहा ना कि कितने मारोगे उठे ना फिर कोई और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो माहिर हो इस काम का खामोशी से अपना काम करे सबूत इकट्ठे करे और पब्लिक कर दे ये इंटरनेशनल कमीशन या जितने बैठेंगे मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं याद रखें बाहर करने दें उन्हें काम हो सकता है उनसे भी कोई ना कोई खैर बरकत हो जाए करने दें मगर आप लोगों के नाम ना लें इससे पॉइंट स्कोरिंग ना करें ठीक है जी और इसमें मेरी दूसरी एक और रिक्वेस्ट है समझें ये चौथी रिक्वेस्ट है और सब लोगों के साथ जितने लोग हैं जो भी लोग फोर फ्रंट पे दुनिया में कोई काम कर रहे हैं ना चाहे वो दीन का काम कर रहे हैं दुनिया का सोशल वर्कर्स हैं सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं इंसाफ के लिए कर रहे हैं अदालत में काम कर रहे हैं सहाफत में काम कर रहे हैं सियासत में कर रहे हैं सच बोलना ना छोड़ना यह आपको अल्लाह का हुक्म है ये अल्लाह का हुक्म है ये अच्छा काम आपने नहीं छोड़ना और इस अच्छे काम का यह भी तकाजा है कि कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज को ना आप अपनाएं ठीक है जी हाँ ये नजरिया जरूर रखें कि हाँ भाई कोई है पीछे ये तो ऑब्वियस है थ्योरी नहीं है मगर कॉन्सपेसी थ्योरी ये होती है कि आप उस आधे सच से आगे आधा झूठ सा लगा दें आधा सच बाफा पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है स्पेशली जब आप लोगों को नाम लेना शुरू कर दें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरली हमें नजर आ रहा है कौन कौन हो सकते हैं मगर हमें पता तो नहीं ना ढूंढे ना फिर कोई खोज लगाए बड़ा आसान है बैठ के चाय का कप पीते हुए बातें करना अः और साथ ही थोड़ी सी मेरी दरख्वास्त है कि विक्टम ब्लेमिंग ना करें विक्टम ब्लेमिंग ज्यादातर लोगों को याद आती है अः बदकारी और जना और इन चीजों में वहां बहुत जल्दी सारे उठते हैं बोलते हैं विक्टम ब्लेमिंग ना करो अल्लाह के बंदो इधर भी विक्टम ब्लेमिंग की बात जहन में रखो यहां पर भी सोचो कि मर्द भी विक्टम है जो मर गया यानी अर्शद शरीफ उसके बारे में ये पूछ रहे ये नहीं पता चला कि वहां लेने क्या गए थे भाई लेने भले वो अंडे लेने गए हो भले वो सब्जियां लेने गए हो भले वो जमीन खरीदने गए हो जिस काम के लिए मर्जी क्या हो आपको यह किसने दिया कि आप बैठ के सहाफत में यह भी कहें कि नहीं हमें यह भी देखना पड़ेगा वो वहां करने क्या गए थे दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस किसी सहाफी का यह काम नहीं है करना पता करने का काम यह अगर तुम सच्चे सहाफी हो तो पता करो कि कौन है इसके पीछे ये इन्वेस्टिगेट करो वरना तुफ है तुम्हारी सहाफत के ऊपर भी जी हाँ उन लोगों की भी सहाफत पर भी तुफ है जिसे आम जबान में कहते हैं फिटे मुंह खुदा की फिटकार ऐसे लोगों पर जो इस वक्त विक्टम ब्लेमिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हाँ 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 ये बंदा वही था जो फलानी के लिए मजाक उड़ा था सर उसकी ऑन रिकॉर्ड रिकार्ड ट्वीट है दुआएं मांगने की तो ऐसा ना करें लोगों के किरदार कुशी ना करें कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें ना करें ना करें तवाइफ भी मारी गई होगी ना ऐसे तरीके से उस तवाइफ का भी उतना ही हक है इंसाफ का जितना के किसी आम आदमी का है हर एक का जिसके साथ जुल्म हुआ है वो मजलूम है और उस मजलूम का इंसाफ हमें यहाँ दिलाना है अगर ना दिलाया तो याद रखें योम इंसाफ ऊपर है जिसको अल्लाह ने योम दीन कहा है योम तलाक ते के साथ तलाक बोला है मुलाकातें होंगी वहां पर सब के नाम बुलाए जाएंगे कि आ जाओ हाजिर हो जाओ उफ। कौन छुपेगा जब सामने आएंगे ये है मेरा कातिल कौन छुपेगा या ये सब है मेरे कातिल नाउज बिल्ला सु नाउज बिल्ला और अः उसका दूसरा नाम फसल है तीन नाम की आमद के मैंने लिए योमुद्दीन योम तलाक और फसल फैसले का दिन वहां फैसला होगा इसलिए इससे पहले कि वो फैसले में आप भी फंस जाएं जो इस वक्त ब्लेमिंग कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं याद रखें खौफ और लालच ये दो वो पुल हैं जहां पे लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं बचते कौन है जो अबरार होते हैं जो इन दोनों का शिकार नहीं होते ना वो खौफ का शिकार होकर हक छुपाते हैं और लालच में आके अपने आप को भी नहीं बेचते दोनों कामों से बचते हैं देखें सहाफत करनी है लीड करना है किसी भी प्रोफेशन में चाहे आप जज हैं चाहे आप वकील हैं ख्वा आप सहाफी हैं आप है, इमाम है, है, किसी जगह के डायरेक्टरिटी पोजिशन है आपको हक पर होना है चाहे आप कमिश्नर साहब हैं चाहे आप इमाम साहब हैं चाहे आप जज साहब हैं चाहे आप सहाफी साहब हैं हक पर होना है वरना नौकरी छोड़ दो खौफ में आके अगर आपने किसी और का नुकसान किया तो वो भी बेड़ा गर्क और लालच में आके अगर अपने दीन ईमान का सौदा किया तब भी बेड़ा गर्क तो इन सब चीज़ों से आपको मुझे बचना है वरना योम योमल योम तलाक़ और योम दीन के लिए तैयार हो जाए वो जो तीसरे लोग हैं ना ना वो खौफ में आते हैं ना लालच में आते हैं उनको हम दीन में अबरार कहते हैं ये आज़ाद लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो बिकते नहीं हैं जो इज्जत और जिल्लत का फर्क जानते हैं जैसा कि जब इब्ने ज़ियाद मलून ने कहा कि हुसैन से कह दो कि मेरे सामने अपने आप को पेश करे मेरे सामने उसको सरेंडर करवाओ गिरफ्तार करके लाओ मैं फैसला करूंगा कि मैंने इसको मारना है या माफ कर देना है नाउजिल्ला यानी रहम करूंगा या कत्ल करूंगा मैं ये फैसला करूंगा

फ़कत इन बसईफिल्ला कितना प्यारा शेर है कि ये बदन तो बने ही मरने के लिए हैं ये तो बने ही मरने के लिए हैं जब मर ही जाना है मौत आ ही जानी है तो अच्छा नहीं कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की खातिर हक की खातिर सदाकत की खातिर अलाए हक अलाए कलमतल्ला की खातिर जान दे दी जाए वही ज़्यादा अफजल और आला बेहतरीन चीज़ है तो ये है इस पर जिए इस पर मरे मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा कि करबला और आज के मुसलमान आज के हुसैनियों को पहचाने आज के यजीदों को पहचाने सब समझ में आ जाएगा अल्लाह ताला मेरे और आपके दीन ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें हक और सच को कहने और उस पर चलने अमल करने की अता फरमाए इसकी बरकत से अल्लाह त अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे सच और सही बात हक पहुंचाओगे तो उसके बदले में अल्लाह तुम्हारी इस तुम्हारी अपनी इसलाह करेगा पहले अपनी कुरेक्शन होगी तुम्हारे अपने गुनाह माफ होंगे और फिर अल्लाह ताला तुम्हें इस एतात और इत रसूल अल्लाह अल्ला और रसूल की एतात पर कामयाबिया कामियां ये बहुत बड़ी कामयाबी है फौ फाज़ फौजन अलीमा ये सत्तर और इकहत्तर नंबर आयत के बीच में सात पॉइंट्स मैंने आज कवर किए इन पॉइंट्स को जहन में रखिएगा कोशिश कीजिएगा कि ये बातें पहुंचा दीजिएगा लोगों तक गो के अंदाज बयान शौख नहीं पर शायद के तेरे दिल में उतर जाए ये बात और इमाम हुसैन का जो मैंने आपको शेर सुनाया और उनका कौल भी सुनाया वो जरूर याद रखिएगा व इनकान बिस्फ़ी फ़क्तलुन बिस्फ़ी फिल्ला वर्क